हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है टेक न्यूज के नए और कमाल एपिसोड के साथ, जिसमें देश और दुनिया की ढेर सारी टेक न्यूज पर बात करेंगे और साथ में आज का गिव अवे वाला सवाल भी आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्ज। वेलकम बैक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और हर बार की तरह आते हैं पोल सेगमेंट में। कल मैंने आपसे पूछा था कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए किस रेंज को आप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप में से 24% लोगों ने 5 से 10 हज़ार की रेंज, जबकि 61% लोगों ने 11 से 20 हज़ार की रेंज और 20 हज़ार से ऊपर की रेंज को 15% लोगों ने दोस्तों वोट किया है। आते हैं सबसे पहले आज के सवाल पर। दोस्तों आपको बताना है कि अगर आपको माइक्रो एसडी कार्ड यूज करना हो तो कितने साइज का यानी किस कैपेसिटी का आप यूज करना पसंद करते हैं। बाकी दोस्तों अब आते हैं सबसे पहली खबर पर, जो कि आ रही है गर्मिन से। विमेंस को ध्यान में रखकर एक नया फिटनेस फीचर लेके आ गया है वियरेबल डिवाइसेस पे गर्मिन, जो कि है प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, यानी कि वेट लॉस, वेट गेन और हार्ट रेट मॉनिटरिंग के साथ में बीपी जैसे बहुत सारी चीजें जो कि एक प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी आपको इस फिटनेस ट्रैकिंग में मिल जाएंगी। यानी कि गर्मिन की जो भी फिटनेस डिवाइसेज हैं, वियरेबल चाहे बैंड हो या फिर स्मार्ट वॉच, उन सब पर यह फीचर मिलेगा, बस अपडेट करने की जरूरत होगी। इसके बाद अगली खबर आ रही है दोस्तों एप्पल आईफोन एसई 2021 को लेकर, यानी कि अगले साल आने वाले आईफोन एसई के वेरिएंट को लेकर। दोस्तों मार्केट में खबर चल रही थी कि वो हमें शायद 2021 के पहली छमाही में देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्म कर दिया गया है यह पहले छमाही में नहीं आएगा, यानी कि दूसरी छमाही में हमें कभी भी 2021 खत्म होने से पहले पहले देखने को यह फोन मिल सकता है। बाकी दोस्तों देखते हैं एग्जैक्ट कंपनी की तरफ से और इसके बारे में क्या अपडेट सामने आते हैं। इसके बाद अगली खबर है सैमसंग की रोटेटिंग 4K QLED टीवी, यानी कि सैमसंग सीरो को लेकर, जो कि पिछले साल 2019 में दोस्तों ग्लोबली अनाउंस की जा चुकी है, इंडिया में अब फाइनली लॉन्च हो गई है। इंस्टाग्राम फीड पर सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली इस बात को लेकर कंफर्मेशन आ गया है। अगर आपको परचेस करना है ये रोटेटिंग 4K QLED टीवी तो आप सैमसंग की वेबसाइट या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स पर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये टीवी एक साइन बोर्ड की तरह है, जिसे आप अपने ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी जहां चाहे वहां पर रोटेट करके जिस भी एंगल पर चाहे रख सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है गूगल मैप पर एक नया फीचर ऐड हो गया है। दरअसल जब आप गूगल मैप पर किसी भी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन को अगर आपने पास्ट में कभी भी किया है सर्च और वहां पर कौन कौन से रास्ते को आपने अपनाया है, वो सारे आपको टाइमलाइन वाइज एक नई टैब पर देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी जो भी रास्ते आपने पहले कभी उस लोकेशन तक जाने के लिए किए होंगे इख्तियार, वो सारे आपको शो करेगा और वहां पर आपने जो जो इमेजेस क्लिक करी होंगी वो सारी भी आपको शो करेगा। यानी कि पास्ट में जो रास्ते आप भूल चुके होंगे उनको वापस से आपको रिमाइंड कराने का गूगल मैप काम करेगा। एक बेहतर ऑप्शन है, जो कि ऐसी अनजान जगहों पर जहां पर आप काफी समय बाद जाते हैं 1-2 साल के बाद और रास्ते अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे में गूगल मैप आपको ये नई मदद दोस्तों जरूर करने वाला है। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स, यानी कि OTT, Netflix, Disney+, Hotstar, Amazon Prime, इन सब को लेके जो दोस्तों सरकार से मांग की जा रही थी कि इनको लेके एक रेगुलेटरी बनाई जाए, सरकार ने यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने दोस्तों कंफर्म कर दिया है कि कोई भी रेगुलेशन इन OTT एप्स को लेके फिलहाल अभी नहीं बनेगा। यानी कि इनके ऊपर जो कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं उनको लेकर अगर आपको आपत्ति है तो वो आपकी समस्या है, आप चाहे उसे ना देखें, लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से इनके ऊपर कोई भी कड़ी निगरानी नहीं रखी जाएगी। अभी ये फ्री है, जैसा कंटेंट चाहे दिखा सकते हैं। बाकी दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर में जिस तरह से डिमांड उठ रही है, क्या IND मिनिस्ट्री इसको लेकर रेगुलेटरी आगे बनाती है या फिर ऐसे के ऐसे ये बेलगाम OTT एप्स चलते रहेंगे। इसके बाद अगली खबर है एप्पल मैक OS बिग सुर को लेके। 12 नवंबर से कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा। पुराने जो मैकबुक या मैकबुक प्रो या फिर मैकबुक एयर यूजर हैं वो इसको डाउनलोड करके इसका नए फीचर्स का लुत्फ उठा सकेंगे। वैसे जो नए आने वाले अपडेटेड जो मैकबुक प्रो या फिर मैकबुक एयर हैं वो सारे इस नए अपडेटेड OS के साथ में प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। फिलहाल पुराने यूजर इसका 12 नवंबर से इंस्टॉल करके फायदा उठा सकेंगे। इसके बाद अगली खबर है एयरटेल को लेकर। ट्राई ने खुलासा किया है कि अगस्त महीने में एयरटेल ने जियो के मुकाबले में 10 लाख ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, लेकिन इससे कुछ बहुत बड़ा फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 30% मार्केट शेयर के साथ जियो इंडिया में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर दोस्तों अभी भी बनी हुई है। बाकी देखते हैं दोस्तों अगस्त के बाद बाकी के महीने में एयरटेल ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों रेडमी नोट 8 स्मार्टफोन्स के कस्टमर्स के लिए दोस्तों एक बेहद ही कमाल की खबर आई है। अब आपको शाओमी का लेटेस्ट मी यूआई
12 दोस्तों इस पे फोन पर इंडिया में मिलना शुरू हो गया, यानी कंपनी ने इसका अपडेट रोल आउट कर दिया इस स्मार्टफोन पे। इंडिया में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में आपको अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा, जिसमें कि आपके अभी तक के जो बग्स हैं उनको भी कर दिया गया है दोस्तों रिमूव, और फोन की परफॉर्मेंस भी आपकी हो जाएगी बेटर। और इन सारी खबरों के बाद में लास्ट खबर है सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट गीगबेंच पर दोस्तों स्पॉट कर लिया गया है। सिंगल कोर में इसने 298 स्कोर गेन किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। 6GB रैम मिलेगी इस फोन में और पीछे की तरफ मिलेगा क्वाड कैमरा। बाकी दोस्तों इस फोन की जब लिस्टिंग हो गई है तो फोन जल्दी ही लॉन्च भी हो सकता है। उम्मीद यह है कि शायद दिसंबर के महीने में यह फोन हमें मार्केट में देखने को मिले। बाकी क्या होंगे इसके फीचर और दोस्तों किस प्राइस रेंज में फोन लॉन्च होगा, इंतजार करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में तो इतनी ही टेक न्यूज़। अब आते हैं फटाफट से अपने गिव अवे वाले सवाल पर। आपको बताना है दोस्तों कि मैंने आपको एप्पल की किस न्यूज़ के बारे में आज के एपिसोड में आपको बताया है, यानी कि कितनी न्यूज़ है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों और भी ढेर सारी टेक न्यूज़, अपडेट्स, ऑफर सब कुछ आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक दोस्तों रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।